स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टैंडर्ड 6 एंड वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। हमारा स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका हमारा अभी का टॉपिक है वैदिक एज। चलिए जानते हैं वैदिक एज के बारे में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अ न्यू पीरियड बिगेन कॉल्ड वैदिक एज। वैदिक एज को क्या थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेक्लाइन हो गया, मतलब जब वो समाप्त हो गया, उसके बाद जो शुरुआत हुई उस समय को क्या बोलते हैं, वैदिक एज। द टर्म वैदिक एज कम्स फ्रॉम फोर, जो वैदिक एज है वो टर्म हमारी कहां से निकली है, फोर वेद से। कौन कौन से वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है, हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। गॉड्स और गॉडेस के उसमें क्या बोला गया है, हाइम्स बताई गई है, मतलब जो उनको प्रेज करते हैं, यानी उनकी प्रशंसा के बारे में उनको बताया गया है, उनकी प्रार्थना प्रशंसा करना। सामवेद सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है ना, उसका सोर्स स्रोत कौन सा है, सामवेद से निकला है। यजुर्वेद स्क्रिप्चर्स यूज्ड फॉर डूइंग पूजास एंड यज्ञास, यज्ञ और पूजा करते जो हम, तो पूजा के समय में जो स्क्रिप्चर्स बनाते हैं ना वो। अथर्ववेद टीचेस नॉन वायलेंस एंड पीस, अथर्ववेद क्या सिखाते हैं, नॉन वायलेंस और पीस, शांति और अहिंसा। आयुर्वेदा इज द पार्ट ऑफ अथर्ववेदा, आयुर्वेद भी जो है वो अथर्ववेद का एक हिस्सा है। द टर्म वेदास मीन रूट्स, वेद का अर्थ क्या होता है, रूट्स यानी जड़े। इट रेफर द एंशिएंट टेक्स्ट्स दैट गिव सम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये किससे रिलेटेड है, पुराने जो लिखित जो टेक्स्ट जो वेदों में लिखे गए हैं वो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा ज्ञान देते हैं। द संस्कृत लैंग्वेज वॉज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय में संस्कृत लैंग्वेज भारत में लाई गई थी। द रामायण एंड द महाभारत आर द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया, ये दो क्या है, ये एक रामायण और महाभारत मुख्य एपिक्स है, यानी माइथोलॉजी के सीरियल्स है जो आज के टाइम में सीरियल्स के तौर पर हमें दिखाए जाते हैं, बहुत बड़ी कहानियां हैं ये। दैट वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में लिखी गई थी। वी कम टू नो अबाउट द सोशल रिलीजियस कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल, जिससे हमें पता चला कि वैदिक समय में जो लोग थे उनकी सामाजिक धार्मिक और वहां की सांस्कृतिक लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, इन दो एपिक्स को देखने से, रामायण और महाभारत को। लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द वैदिक एज, वैदिक एज के समय में लोगों की लाइफ कैसी थी। अराउंड 1500 BCE ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियंस इन्वेडेड इंडिया, 1500 BCE में ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन यानी इंडो और यूरोप के जो मिक्स लोग थे उन्होंने क्या इन्वेड किया था, इंडिया। दे केम फ्रॉम द एरियाज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, वो कहाँ से आए थे, जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो एरिया था वहां से आए थे। दीज इंडो यूरोपियंस केम टू बी नोन एज द इंडो आर्यंस, इन्हें बाद में क्या कहा जाने लगा, इंडो आर्यंस, कहां पे, इन इंडिया में। द इंडो आर्यंस फर्स्ट स्टार्टेड लिव टू प्रेजेंट डे इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, जो इंडो आर्यंस थे यानी कि जो इंडो यूरोपियंस थे वो कहां पे रहने लगे थे, ईस्टर्न अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ईस्ट हिस्से में, पंजाब में एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। देयर फर्स्ट सेटलमेंट वर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस एंड सरस्वती, इनका पहला सेटलमेंट कहां हुआ था, बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड सरस्वती, यानी कि इंडस नदी के किनारे और सरस्वती नदी के किनारे। दे लिव्ड इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1500 BCE टू 800 BCE, वो इंडिया में लगभग 1500 BCE से 800 BCE तक रहे। एंड द कास्ट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय में जाति पाति में भेदभाव होना शुरू हो गया, कास्ट सिस्टम आने लगा। देखो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबसे ऊंची जाति किसको माने जाते थे, ब्राह्मण को, फिर क्षत्रियों को, तीसरे नंबर पे वैश्य और सबसे लास्ट में शूद्र। बेस्ड ऑन वर्क स्पेशलाइजेशन, उनको किस आधार पे बांटा गया कि वो किस काम में अच्छा थे, उस आधार पे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर वर्ण, चार वर्णों में विभाजित हो गए। वर्ण मीन्स, वर्ण क्या होता है, कि कास्ट के आधार पर इनको और उनके धंधों के आधार पर यानी ऑक्यूपेशन के आधार पर इनको बांट देना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सबसे ऊंचे माने जाते थे ब्राह्मण, क्यों, क्योंकि ये वेदों का अध्ययन करते थे इसलिए ऊंचे माने जाते थे। क्षत्रिय जो लड़ाई में लोगों को बचाते थे, अपने राज्य के लिए लड़ते थे, वो होते थे क्षत्रिय। वैश्य और मर्चेंट्स, इन लोगों का क्या काम था, वैश्य और मर्चेंट ज्यादातर क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल वो फार्मर्स, हैडर्स और ट्रेडर्स, जो क्या होते थे, ट्रेडर्स फार्मर्स होते थे, या किसी के घोड़ा चलाने वाले
टांगा चलाने वाले ये होते थे, वो शूद्र, इनको सबसे नीचे जाति का माना जाता था। कौन थे वो लोग? जो लो कास्ट होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उन सबको नीचे जाति का माना जाने लगा। द पीपल ऑफ दिस पीरियड वर नोमड्स। इस समय के जो लोग थे उन्हें नोमड्स कहते थे। क्यों? बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे उन्हें क्या बोलते थे? नोमड्स। फूड, वाटर एंड ग्रेजिंग फील्ड्स, और अपने खेत में पानी, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, और चारा चराने की तलाश में। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन रियर कैटल एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। वो लोग कहाँ पे बसने लगे? जहाँ पे वो अपने कैटल को, यानी कि जो गाय भैंस होती है, उन्हें चरा सके, और जहाँ पे खेती बाड़ी कर सके, क्रॉप्स उगा सके। राइस, व्हीट, बार्ले, कॉटन आर द मेन क्रॉप्स। मुख्य क्रॉप्स क्या थे? राइस, व्हीट, बार्ले। ओके, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के अलावा भी दूसरा काम क्या था? कैटल रियरिंग, कारपेंटरिंग करना, कैटल रियरिंग करना, यानी जैसे कि इनका जो कैटल्स होते हैं, यानी कि गाय हो गई, बकरी हो गई, इनके दूध निकालना, और भेड़ों के बाल भाई उनके खाल उतार के बेचना, ये सब वहाँ के मुख्य काम थे। कारपेंटरी करना, पॉटरी बनाना, एंड वीविंग, बुनना, कुछ भी कपड़ों की बुनाई या कुछ भी चीज की बुनाई, वर आल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग दिस वैदिक एज। वैदिक एज के समय में ये सब चीजें, कैटल रेयरिंग, कारपेंटरी, पॉटरी एंड वीविंग, ये बहुत मुख्य ऑक्यूपेशन थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीपल मेड डिफरेंट टूल्स एंड वीपन्स विद आयरन। इस समय में लोग अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाते थे और हथियार भी बनाते थे। किससे? आयरन से, यानी कि लोहे से। द वुमेन ऑफ दिस पीरियड हैड द सेम राइट टू एजुकेशन। इस समय में स्त्रियों को भी, यानी जो महिलाएं थी, उनको भी पढ़ाई का समान अधिकार था एज टू मैन, जैसे कि आदमियों को होता था। सम फेमस वुमेन पोइट्स ऑफ दिस पीरियड वर। इस समय की कुछ वुमेन पोइट्स भी थी, उनका नाम क्या था? विश्वारा एंड लोपामुद्रा। क्या था? विश्ववारा एंड लोपामुद्रा। विडो री मैरिजेस वर आल्सो परमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में विधवा पुनर्विवाह की भी परमिशन दी गई। द बार्टर सिस्टम फ्लोरिश ड्यूरिंग द वैदिक एज। बार्टर सिस्टम भी इस वैदिक एज में दिखाई दिया। देखो, बार्टरिंग इज अ ट्रेडिंग। बार्टरिंग क्या होता था? बार्टरिंग इज अ ट्रेडिंग ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर अनदर प्रोडक्ट। बार्टरिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट देके, जैसे ये ऊन बेच रहा है और ये गेहूं बेच रहा है, तो हमें गेहूं चाहिए तो हम इसको ऊन दे देंगे और ये हमें गेहूं दे देगा। ये सिस्टम आया था। पहले मनी नहीं था, इसलिए लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते थे। मनी वॉज नॉट यूज इन दिस सिस्टम एज काउस वर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस के लिए जो गाय थी वो बहुत ही मुख्य साधन थी और जरूरी भी थी, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का ये सबसे मुख्य साधन थी। ग्रेजुअली दे बिगेन ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज, वेस्ट एशिया, इजिप्ट। तो वो लोग धीरे धीरे कहाँ पे ट्रेड करने लगे? वेस्ट एशिया, इजिप्ट में भी, क्योंकि गाय के दूध की जरूरत तो जैसे सभी को होती थी, और साथ में उन्हें क्या होता था? उनको उसके बदले में कोई दूसरी चीज भी मिल जाती थी। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियो आर्यन सोसाइटी। इंडो आर्यन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था? ये मेनली दो ग्रुप में डिवाइडेड थी। मैनी फैमिलीज ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए विलेज। बहुत सारी फैमिलीज ने क्या किया था? परिवार आपस में जुड़ गए थे और गांव का फॉर्मेशन होने लगा था। दीज स्मॉल विलेजेस और ग्रामस वर, हिंदी में इसको ग्राम्स बोलते हैं, जो संस्कृत का वर्ड है ग्राम, वर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स। विलेजेस कहाँ पे होते थे? नदियों के किनारे। द हेड ऑफ ईच विलेज और ग्राम कॉल्ड ग्रामीणी। जो विलेज का हेड होता था या गांव का, उसको क्या बोलते थे? ग्रामीणी। ए ग्रुप ऑफ विलेजेस टुगेदर फॉर्म विसु। और जो विलेजों का ग्रुप, यानी जो गांवों का ग्रुप जो बनता था, उसको क्या बोलते थे? विसु, विच वॉज द हेडेड बाय विश्यापति। जैसे कि आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे उस टाइम में क्या होते थे? वहां के जो हेड होता था उसको क्या बोलते हैं? विश्यापति। बिगर ग्रुप दैट ग्राम्स एंड विशुस आर कॉल्ड जानास। गांवों के और विशुस के जो बड़े ग्रुप्स होते थे उनको क्या बोलते थे? जानास। वर वेयर पीपल लिव टुगेदर इन बिगर ग्रुप्स, कि इससे बड़े संख्या में भी लोग रहते थे। द हेड ऑफ ईच जना वाज कॉल्ड रजन। इन एक जनों के हेड को क्या बोलते थे वहां पे? रजन। एक जना मतलब कि ये सब लोगों के ग्रुप को मिला के जो लोग रहते थे, वहां का जो हेड होता था उसको रजन बोलते थे। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन जाना बिकेम द किंग ऑफ जाना। जो सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन होता था जना का, वो क्या बनता था? जना का राजा बनता था। द रजन टू केयर ऑफ द सेफ्टी। रजन वो क्या करता था कि उस जना की सेफ्टी करता था। ऑफ द पीपल स्टेडिंग इन जनास, और जो पीपल जनास में रहते थे।
इन द कोर्स ऑफ टाइम द जनास टर्न्ड इनटू स्मॉल किंगडम, धीरे धीरे क्या हुआ जो जनास थे वो छोटे छोटे राज्यों में बदलने लगे, विच आर हेडेड बाय द किंग्स, और किसके द्वारा चलाया जाने लगा, एक राजाओं के द्वारा, पीपल वो लिव्ड इन द किंगडम कॉल्ड प्रजा, और जो वहां पे जो लोग रहते थे उनको क्या बोलते थे, प्रजा। इन ड्यू कोर्स सम किंगडम्स फोट अमंग देमसेल्व्स, इसी वजह से कुछ राज्य आपस में लड़ने लगे, द किंगडम विच वॉज द मोस्ट पावरफुल, जो राज्य सबसे पावरफुल होता था बिकेम द रूलिंग ग्रुप, कि वही क्या करेगा सभी के ऊपर राज करेगा, द किंग ऑफ दैट किंगडम बिगिन टू सॉल्व फाइट्स बिटवीन द पीपल, राजा का कार्य क्या होता है जो प्रजा के बीच में जो झगड़े हैं उनको सॉल्व करना, ही आल्सो टुक इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के लोगों के लिए उसका मुख्य काम क्या होता था कि जो जरूरी निर्णय है डिसीजन, यानी कि निर्णय वहां के लोगों के लिए लेना। राइज ऑफ किंगडम, धीरे धीरे राज्यों का उदय होने लगा, ड्यूरिंग सिक्स सेंचुरी बीसी में 16 किंगडम्स पर फॉर्म, कितने किंगडम्स फॉर्म हुए, 16 किंगडम्स फॉर्म हुए इंडिया में, आउट ऑफ दैम मगध, काशी, कोशाला, अवंती एंड अंगना, कौन कौन से थे, मगध, काशी, कोशाला, अवंती, अंगना, ये मेन इंपॉर्टेंट थे वैदिक एज के। द किंगडम ऑफ मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम, मगध का किंगडम बहुत ही पावरफुल राज्य था, इट वॉज रूल्ड बाय द किंग्स ऑफ बिंबुसार एंड अजाशत्रु, किसके द्वारा ये राज्य किया जाता था, बिंबसार और अजाशत्रु के द्वारा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द मगध किंगडम वॉज रूल्ड बाय मैनी पावरफुल अदर डायनेसिटीज, द मौर्यन एम्पायर बींग द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑफ देम, मगध एम्पायर के बाद बहुत सारी अदर पावरफुल डायनेसिटीज भी आई, जैसे कि मौर्यन एम्पायर भी बहुत पावरफुल था इन सभी में। तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, वेयर डिड द इंडो आर्यंस कम फ्रॉम, इंडो आर्यंस कहां से आए थे, व्हाट वर द फोर वर्णास ऑफ वैदिक एज, वैदिक एज के चार वर्ण कौन से थे, वहां के मुख्य ऑक्यूपेशंस कौन से थे, और इंपॉर्टेंट फीमेल्स पॉइंट कौन सी थी, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ये वर्क होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, द मौर्यन एम्पायर अराउंड 500 BCE मगध वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम, मगध बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम था, चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द किंग ऑफ मगध, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध के राजा बने 321 BCE में, ही वॉज फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, पाटलिपुत्रा जो अभी पाटलिपुत्र को अभी प्रेजेंट में क्या बोलते हैं पटना, ये कैपिटल थी उस मौर्यन एम्पायर। कौटिल्य वॉज पॉपुलरली नोन एज चाणक्य, कौटिल्य को किसके नाम से जाना जाता है, चाणक्य, वॉज द फ्रेंड्स एंड फिलोसोफर, वो किसके फ्रेंड थे और फिलोसोफर थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कूटनीति राजनीति इनको चाणक्य को पूरा ज्ञान था, ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ एंशियंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वहां के प्रोफेसर भी रह चुके थे, ही रोट ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है, उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पे एक बुक रखी थी, लिखी थी, ही वॉज द मेन एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मेन एडवाइजर थे, सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार, एंड हिज सन बिंदुसार, उनके पुत्र बिंदुसार विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्क्यूड द होल नॉर्थ इंडिया, इन दोनों की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नॉर्थ इंडिया था और जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है वहां पे क्या कर लिया था, विद इन अ फ्यू इयर्स, कुछ समय में वहां पे क्या कर लिया था, कॉन्क्यूर कर लिया था, मतलब उसको जीत लिया था, ही रूल्ड फॉर मोर देन 15 इयर्स, कम से 15 साल से भी ज्यादा उन्होंने राज किया, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार वहां के राजा बने, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को बढ़ाया टू द डेक्कन रीजन, यानी दक्षिण की साइड। अशोका इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेट अशोका, अशोका को ग्रेट अशोका भी कहा जाता है, द सन ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के सन और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, ही वॉज द पौत्र यानी कि ग्रैंड सन, ही वॉज द थर्ड मौर्यन एम्पायर एम्परर, मतलब तीसरा मौर्य एम्पायर का, मौर्य जो शासन काल था उसका महाराज थे ये, एंड वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के एक ग्रेटेस्ट एम्परर में से भी ये थे, ड्यूरिंग हिज रूल द मौर्यन एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड मोर पावरफुल, इनके शासन के समय में मौर्यन एम्पायर जो था बहुत ही पावरफुल बन गया था, ही एक्सपेंडेड इन एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया, इन्होंने पूरा अपना एम्पायर है वो कहां तक बढ़ाया, एंशियंट इंडिया तक, साथ में इंक्लूड किया साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द एंड ऑफ द कंट्री की साउथर्न हिस्से में भी इन्होंने अपना राज्य बढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं, ही फॉट मैनी वार्स, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, कलिंगा की वार से कलिंग जो राज्य हुआ था उनसे अशोका की लाइफ जो थी वो पूरी चेंज हो गई थी, उन्होंने ही रियलाइज दैट वार डैमेजेस लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उनको क्या एहसास हुआ कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़ा लाइफ हमारी जिंदगी और हमारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान करती है, ये खूनी वार थी कलिंग की जिसने सम्राट अशोक को पूरा पीसफुल एम्परर बना दिया था, एकदम शांत
टिप्री है. सो ही एंडेड द वार, उन्होंने वार को खत्म किया एंड बिकेम डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने लगे. ही वॉज द लास्ट एवर वॉर ही एवर फॉट, ये उनकी आखिरी लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी थी. द सफरिंग्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन कोज बाय द वॉर मेड हिम रिनाउंस वार अफेयर एंड ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म. कि इनके ये जो लड़ाई हुई थी ना, जिससे उनको इतना दुख पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया, सबको छोड़ के बुद्धिज्म अपना लिया. अशोक बिकेम द बुद्धिस्ट, अशोक बुद्धिस्ट बने एंड स्प्रेड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन हिज किंगडम, और अपने राज्य में बुद्ध के प्रचार प्रसार करने लगे, बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाने लगे. टू स्प्रेड बुद्धिज्म ही आल्सो सेंट बुद्धिस्ट मोनारसिस टू तिब्बत, वहां पे इन्होंने बुद्धिस्ट मोनारसिस को भी भेजा तिब्बत में. अशोक रिसेंट वॉज कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी. अशोक का समय शासनकाल कैसा था, शांति प्रिय था. अशोका ऑलवेज वर्क टूगेदर वेलबींग ऑफ हिज पीपल, उन्होंने अशोका ने ज्यादातर क्या किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया. ही ऑर्डर पीपल टू डिग वेल्स, उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि कुएं खोदे, सड़कें बनाए, प्लांट्स लगाए, सड़क और एंड अलोंग द रोड्स की सड़कों के साथ साथ पेड़ भी लगाने चाहिए. उन्होंने बहुत सारे अस्पताल बनवाए गरीबों के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए. इस शासनकाल के समय द कंट्री जो थी वो बहुत एडवांस हो गई थी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ गए थे. एज अशोका ऑलवेज वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अशोका ने जैसे कि हम जानते हैं कि अपने लोगों के अच्छे और भलाई के लिए काम किया, तो उन्हें क्या कारण जाने लगा, देवनाम प्रिया प्रियादर्शी, देवनाम प्रिया प्रियादर्शी. आफ्टर हिज डेथ 231 BCE में मौर्यन एम्पायर कुड नॉट बी मैनेज बाय सन्स एंड ग्रैंडसन, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र और उनके जो पौत्र थे उनसे मौर्यन एम्पायर संभाला नहीं गया. ये बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बन गया, इसी वजह से मौर्यन एम्पायर का डेक्लाइन हो गया, यानी कि समाप्त हो गया. ओके, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं.